ये देखो गाइस किस तरह से मैनहोल से अंदर जाते हैं। ये इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन का मैनहोल है और ये जो बंदा है ये आईबीआर वेल्डर है जो आर्गन वेल्डिंग करते हैं, और एक होते हैं स्ट्रक्चर वेल्डर। तो ये अभी इसी मैनहोल से अंदर जाएगा, देखना आप डिसाइड कर लो क्या करना है। नहीं रुकोगे तो सामान दो, सामान दे दो, सामान दो सब। पेटी से लेके आना है, पेटी से, पेटी से। क्या वो खराब हो गया क्या? केड़ा हो गया, बेंड हो गया ना, ये बेंड हो गया। लो ये खराब हो गया, रख दो इसको साइड में। गाइज ये देखो, इसको बोलते हैं सी क्लैंप। ये एक तरह का इक्विपमेंट है और इसको तब यूज़ किया जाता है जब किसी भी कॉइल के ट्यूब को आपस में जॉइंट कराया जाता है, तब इस सी क्लैंप को यूज़ किया जाता है मैच कराने के लिए। SCW की ट्यूब हो गई, LTSH, इकोनोमाइजर, री हीटर, प्लैटन सुपर हीटर, पावर प्लांट में जहाँ पर भी जिस तरह की भी ट्यूब होती है ना, और उसे आपस में जब जॉइंट कराया जाता है तो जॉइंट कराने से पहले मैच कराया जाता है। मतलब जब दो ट्यूब आपस में कनेक्ट होती हैं, जैसे ये इकोनोमाइजर कॉइल अभी अंदर जा रहा है ना न्यू वाला, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट होगा, जॉइंट होगा, वेल्ड होगा। तो वेल्ड होने से पहले, जॉइंट होने से पहले सभी ट्यूबों को एक दूसरे से मैच कराना पड़ता है, और उसी मैचिंग के लिए इस क्लैंप को यूज़ किया जाता है ताकि आपस में मिसमैच ना हो। जब दो ट्यूब आपस में जॉइंट होती हैं और उसे वेल्ड किया जाता है तो मिसप्लेस होने के चांसेज होते हैं, मूव होने के चांसेज होते हैं। तो ये क्लैंप से टाइट कर देने के बाद जॉइंट मिसमैच नहीं होता है और मूव नहीं होता है, आसानी से सही तरीके से जो वेल्डिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये देख रहे हो, ये जो सी क्लैंप है ये शॉप से परचेज करना पड़ता है, रेडीमेड आता है, और ये बनाना पड़ता है प्लांट में। तो ये फिटर बनाता है और बनाने के बाद इसे वेल्ड कर देता है इस सी क्लैंप के साथ। देख लो एक ये एंगल से बना हुआ है, आई थिंक ये 70 या 75 का एंगल है। एक एंगल को इस तरफ वेल्ड किया गया और दूसरे वाले को इस तरफ वेल्ड किया गया है। तो ये पूरा का पूरा सी क्लैंप है और इसमें ये एंगल को वेल्ड करके ये पूरा कंप्लीट एक इक्विपमेंट बनाया गया है। जब किसी भी कॉइल की ट्यूब को आपस में वेल्ड किया जाता है, जॉइंट किया जाता है, तो उससे पहले ये क्लैंप लगा के उसे सही तरीके से मैच किया जाता है। मैं इसका आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा दूंगा जिसको कहां और कैसे यूज़ किया जाता है। जब आप देखोगे ना प्रैक्टिकली तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। ये जो आप सी क्लैंप देख रहे हो ये तो बना बनाया है, शॉप से परचेस करना पड़ता है, ये रेडीमेड आता है। और एक जो सी क्लैंप होता है वो खुद बनाते हैं, बॉयलर में जो फिटर होते हैं ना वो खुद से बनाते हैं। वो सी क्लैंप किस तरह से बनाया जाता है, जब मैं किसी और पावर प्लांट में जाऊंगा किसी प्रोजेक्ट पर, तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये NTPC के प्लांट में इस सी क्लैंप को यूज़ किया जा रहा है। मैं किसी स्टेट बोर्ड के प्लांट में या कहीं भी दूसरे प्लांट में जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा वो दूसरा सी क्लैंप किस तरह से बनाया जाता है। उसको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब कुछ प्लांट में ही रेडी हो जाता है। मतलब ये एंगल, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये पूरा का पूरा बना दिया जाता है। पर दोनों में डिफरेंस होता है, ये सी क्लैंप आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, वो सी क्लैंप आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा इस वाले से। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। पर अभी ये सी क्लैंप मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बता दिया, और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी कि ये सी क्लैंप को कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। अब आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा तब आपको सही से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आएंगी। इस तरह के 5-6 सी क्लैंप को बना कर रखा गया है। बाय चांस कभी ऐसा हो कि एक आध खराब हो जाए, जैसे इस वाले को देखो ये बेंड हो गया है, तो ऐसे में अगर एक दो सी क्लैंप खराब भी हो जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो, काम डिले ना हो, इसलिए 5-6 सी क्लैंप को ऑलरेडी बना कर रख लिया गया है। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट वाला है ना जो खराब हो गया, इसे इस साइड पर रख दिया गया। मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ, ये देखो ये दूसरा वाला है, और इसकी साइज भी ज़्यादा है, ये 8 इंच का है और वो 6 इंच का था। ये टपारिया कंपनी, ये देख लो इसका एंगल भी बड़ा है लेंथ में। तो इस तरह के 5-6 सी क्लैंप बने हुए हैं ऑलरेडी, अगर इसमें से कोई भी एक ख़राब हो तब भी काम में डिले ना हो। गाइज ये जो आप सी क्लैंप देख रहे हो ये 6 इंच का सी क्लैंप है, टोटल 6 सी क्लैंप रेडी किया गया है, और इसमें से कुछ 6 इंच के और कुछ 8 इंच के हैं, और ये सभी सी क्लैंप टपारिया कंपनी के हैं।
और जो थर्ड वाला सी क्लैंप है वो यूज़ हो रहा है इस वक्त अंदर की साइड में। मैं आपको दिखाऊंगा अभी गाइज, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उस सी क्लैंप को कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है, आप खुद से देख लो तो आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो गाइज, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।